चलो अब बारी है हमारी क्रेन सिखाने की, क्योंकि क्रेन सीखोगे तो ही तो आगे बढ़ोगे। तो सामने से भाई केबिन देख लो, सामने से कुछ ऐसा ही दिखता है, और यहाँ पे एसी। और क्रेन सीखना चाहते हो तो आपको मिनिमम एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए हेल्पर का? लगभग एक साल से ज्यादा आपको क्रेन सीखना चाहिए, क्रेन में काम करना चाहिए हेल्पर के तौर पे, और साथ ही साथ क्रेन सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंटरव्यूज के लिए आपको तैयारी भी करना होगा। और सामने से नजारे, वाह मस्त है एकदम। तो यहाँ से सामने से ऐसा देखने को मिलता है, और साइड में राइट साइड में आते हो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न करने का योग, सेफ्टी के लिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग? तो मैं अभी अपने बिल्डिंग पे हूँ, जहाँ देखने मिल रहा होगा इस साइड में हमने सारे के सारे सेफ्टी स्किन उठा दिए हैं भाई, उस साइड के भी हमने सारे के सारे उठा दिए। हमारा क्रेन भी दिख रहा है, मौसम भी सही नहीं है, और इस साइड में डाउन एरियाज हैं, हम इधर से आगे जाते हैं। लेकिन आज हम आप सभी को क्रेन सिखाने वाले हैं, क्रेन कैसे सीखना है और क्या तरीके हैं, कितने एक्सपीरियंस वाले को सीखना चाहिए, कितने हेल्पर ही किया है और कितने टाइम तक हेल्पर ही करने के बाद वो सीखना चाहते हैं, उसके बारे में हम आप सभी को बताएंगे। लेकिन उससे पहले देख लो भाई, इस बिल्डिंग के कितने लेवल पे आने जा रहे हैं, 8-10 फ्लोर ही रहेंगे, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं है। और यहाँ से ग्रेनेड हमने सारे के सारे उठा तो दिए हैं, लेकिन इस साइड में भाई बाकी हैं, और वो सारा का सारा ग्रेनेड उठेगा। और इस साइड में भी हमने उठाया ना, ये सेफ्टी स्किन है, बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, जो कि मतलब मैनुअली हाइट होता है, कहीं कहीं पे जैक सिस्टम रहता है, सिलेंडर के द्वारा हाइट होता है, जिस तरीके से क्रेन हाइट होता है उस तरीके से हाइट होता है, लेकिन ये कुछ अलग चीज़ है, ठीक है। इसे मतलब क्रेन में फंसाते हैं यहाँ यहाँ, और इसे हाइट करते हैं, जो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा ये वाली चीज़, उसमें सीलिंग वगैरह फंसते हैं तब हाइट होता है। और अभी 9 बजे जा रहे हैं, अभी स्लैब पे कोई नहीं आया, लेकिन सभी आ जाएंगे थोड़ी देर के अंदर। तो हम चलते हैं क्रेन पे और क्रेन सिखाते हैं आप सभी को। तो चलो अब बारी है हमारी क्रेन सिखाने की, क्योंकि क्रेन सीखोगे तो ही तो आगे बढ़ोगे। तो सामने से भाई केबिन देख लो, सामने से कुछ ऐसा ही दिखता है, और यहाँ पे एसी, एसी का खुद का नाम एसी, मॉडल नंबर कहीं और लिखा रहता है, यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ। लेकिन इस साइड में हम एसी खोलते हैं, अंदर आते हैं, अंदर क्लियरिटी देखने को मिल रहा होगा कि कैसा सामने से वाइब आता है, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए, नए नए लोग, नए दोस्त सभी जुड़ रहे हैं, और उनको बताना मेरा फर्ज है, तो मैं बताऊंगा उनको काम कि किस तरीके से क्रेन में आना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, और कितने एक्सपीरियंस वाले को क्रेन सीखना चाहिए। भाई अगर आप हेल्पर हो और क्रेन सीखना चाहते हो तो आपको मिनिमम एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए हेल्पर का? लगभग एक साल से ज्यादा आपको क्रेन सीखना चाहिए, क्रेन में काम करना चाहिए हेल्पर के तौर पे, और साथ ही साथ क्रेन सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंटरव्यूज के लिए आपको तैयारी भी करना होगा, लाइसेंस की तैयारी करनी होगी और बाकी डॉक्यूमेंट की तैयारी करनी होगी, तो उनको बिल्कुल भी तैयार नहीं रखना चाहिए। और साथ ही साथ ऑपरेटर का भी एक लाइसेंस बनवा लेनी चाहिए, जब आप ऑपरेटर बन जाते हो, यानी कि हेल्पर ही करते करते हेल्पर ऑपरेटर बन जाते हो, तो लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। चलो स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं एसी, और नीचे आते हैं तो यह है हमारा लोड चार्ट। लोड चार्ट में ये सारी चीजें हैं, और क्लोज से देख लो ताकि आप सभी को पता चलता रहे कि लोड चार्ट में क्या क्या होता है, ठीक है। ये है हमारा ऑकेट ऑके का चार्जर, कुछ टूल्स जो हमारे इम्पोर्टेंट चीज है, सीट बेल्ट वगैरह, और सीट बेल्ट कह रहे, सेफ्टी बेल्ट वगैरह। और सामने से नजारे, वाह मस्त है एकदम। तो यहाँ से सामने से ऐसा देखने को मिलता है, और साइड में राइट साइड में आते हो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न करने का योग, सेफ्टी के लिए, और सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, सेफ्टी का जानकारी है जो इसमें ऑपरेट कर सकते हो, कितना महत्व रखता है। और यहाँ न करने का योग, क्रेन चलाते हो तो ये काम मत करना, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है। सामने से वाइब नजर आती है हमें, क्योंकि हम भाई ड्राइवर हैं इस क्रेन का। सामने में लीवर है, इस साइड में भी लीवर है, चलिए इस साइड की लीवर की कुछ जानकारी देते हैं। क्रेन स्टार्ट इससे होती है, इसे घुमाया जाएगा, इसे टैप किया जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या है पढ़िए, यहाँ पे चेंज मैग्निफिकेशन, इससे क्या होता है, बाईपास होता है। क्रेन की होस्टिंग जो होता है, जो लोड उठता है, वो एक जगह पे लिमिट लगा दिया जाता है, ताकि उससे ऊपर ना जाकर मतलब अगर जाता है तो जाकर लड़ जाएगा, टूट जाएगा, नुकसान हो जाएगा। लिमिट इसमें सेट किया गया है ताकि वो उतने पे रुक जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, यह हमारा हुक, इससे ज्यादा हाइट हो जाएगा, ठीक है,
अगर वो हम ब्लैक बटन दबाते हैं, ये जो ब्लैक बटन है इसे हम टैप करते हैं ना, तो ये हाइट हो जाएगा भाई, ये और भी हाइट होगा, लेकिन इसकी जो लिमिट सेट है ना लगभग 3-4 मीटर नीचे में ही मतलब उसका फिक्स किया गया है। यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ से हम मस्त ऐसे बैठते हैं, इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लोड का सारा इंफॉर्मेशन है जो आप सभी को समझ में आ जाएगा जो काम करते होगे। 80% वेट लिखा हुआ है, 50% वेट लिखा हुआ है, जो कि आप पढ़ सकते हो, जो कि इसमें समझ सकते हो, इतना तो सबको समझ में आएगा। 80% लोड है तो लोड मतलब थोड़ा सा वॉन्ट करेगा, चलो उठ जाएगा, इन आउट करके उसे उठा लिया जाएगा। 50% जो वेट है वो भी उठ जाएगा भाई, जो 100% वेट है तो वो तो उठेगा नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि पूरा का पूरा लोड है और 100% ओवर मूवमेंट, तो ये चीजें हैं, ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हॉकी टॉकी है भाई, और हॉकी टॉकी का क्या कर दिया, इसे भाई खोल दिया गया है, जो कि क्या होता है ना कि आजू बाजू का बहुत ज्यादा सिग्नल पकड़ता है, तो इसे खोल दिया गया। हम इसे लगा देंगे, लेकिन एक हाथ से लग पाएगा कि नहीं पता नहीं, चलो लग गया, तो ये जरूरी है, हम इसे टाइट कर देते हैं। ये हमने टाइट कर दिया है पूरा का पूरा। यहाँ पे आते हैं तो ये ब्रेक का है, ठीक है, यहाँ कर देते हैं तो ब्रेक लगा रहेगा, इसे रहेगा तो ब्रेक नहीं लगा रहेगा। तो यहाँ पे देखने को मिलता होगा इनवर्ड फॉरवर्ड, हम एक नंबर में आगे करते हैं, 1 2, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिला। तो ये 2 नंबर में ट्रॉली का है, ट्रॉली यहाँ पे है, ठीक है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये ट्रॉली है। तो हम इसे करते हैं 1 2, तो ये क्या है कि वो एक नंबर 2 नंबर में आगे जाएगा, ठीक है। अब हम अंदर लेते हैं 1 2, तो 2 नंबर में इन होएगा, अगर 1 नंबर में करते हैं तो 1 नंबर में होगा। चलो ये अलार्म ओवरलोड का है, ठीक है, लोड जो हम 100% का वेट बताया था हमको आपको उसका है, अगर लोड उठता है तो ये वॉन करेगा 400। यहाँ पे वोल्टेज जो दिख रही है थोड़ा सा एक काट आगे रहना चाहिए, 420 के आसपास, जो कि इसकी यहाँ पे भी लिखा हुआ है 420, जो आपको देखने को मिल रही है वोल्टेज होनी चाहिए 420 ही होना चाहिए। तो ये चीजें ये काम करती है ऐसे। अब ये लेफ्ट राइट गए, ठीक है, अगर हम 1 नंबर में दबाते हैं तो ये धीरे धीरे लेफ्ट जाने लगेगा, ठीक है, धीरे धीरे लेफ्ट, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, ठीक है, तो ये 4 नंबर में लेफ्ट जाएगा और इसकी स्पीड अच्छी खासी रहेगी। और जहां पे मुझे रोकना है तो हम धीरे धीरे क्या करेंगे, ऐसा जब हमने 4 नंबर में किया तो धीरे धीरे माइनस करते हुए छोड़ देंगे ताकि वो जगह पे रुक जाए, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। ये होस्टिंग का है, होस्टिंग का ये क्या होता है कि 1 2 3 हाइट डाउन का 3 फंक्शन होता है। टोटल इसकी लिमिट कितनी होती है पता है आपको, 7th होते हैं, ठीक है, कोई भी पूछता है कि लिमिट कितने प्रकार का होता है तो 7th प्रकार का बता देना है। 6th तो होती है ओवरलोड मोमेंट, यानी कि मोमेंट वो करेगा तो वो 6th वहां हो जाता है, बहुत सारे लोग को 6 लग रहा होगा लेकिन 6th होते हैं। तो आप सभी को क्या लगता है वो कमेंट में रिप्लाई जरूर से दीजिएगा और सामने से वाइब देख लो। ये तो समझ में आ गया, इसके बारे में हमने बता दिए, इसके बारे में हम बता दिए। अगला जो वीडियो होने वाला है इंटरव्यू से रिलेटेड होना है, तो इस वीडियो को जरूर से देखिएगा, जो आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। इस वीडियो को यहीं तक लिखते हैं, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।